फोर्थ इंटरमीडिएट टूर्नामेंट की शुरुआत आज से मयूर स्कूल में कर दी गई, जहां पहला मुकाबला दैनिक नवज्योति और IFWJC के बीच खेला गया। गत विजेता दैनिक नवज्योति ने IFWJC को शिकस्त देते हुए अगले मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी है। मयूर स्कूल में खेले गए इस पहले मुकाबले में दैनिक नवज्योति ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें कप्तान सुधीर रावत द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 64 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी IFWJC कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और पूरी टीम महज 103 रनों पर सिमट गई। टीम का अगला मुकाबला 6 मार्च को खेला जाएगा। ये अपना चौथा इंटरमीडिएट क्रिकेट प्रीमियर लीग है और आज उद्घाटन मुकाबला मयूर स्कूल में हुआ और उद्घाटन मुकाबला जो था दैनिक नवज्योति और IFWJC के बीच खेला गया, जिसमें दैनिक नवज्योति ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए दूसरे चरण में जगह बनाई। इसमें टोटल लगभग 10 मैच लीग के मैच होंगे और खिताबी मुकाबला 10 अप्रैल को मयूर स्कूल में ही खेला जाएगा। कितने मैच होने भैया, कहाँ से कब से शुरू हुए हैं? और ये आज रविवार से शुरू हुए हैं और ये कम से कम 10 लीग मैच खेले जाएंगे और जो खिताबी मुकाबला है वो 10 अप्रैल को मयूर स्कूल में ही खेला जाएगा। आज कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और आज कौन मुख्य अतिथि वगैरह कौन है इसमें? आज हमारे PRO भानु प्रताप जी चीफ गेस्ट थे और आगे भी हम आगे के जो मुकाबले हैं वो जैसे जैसे होंगे ड्रॉ के मुताबिक हम खेलते रहेंगे। और आपका नाम? सुधीर रावत, दैनिक नवज्योति।